आवाज यू राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव नायक। पंचायत समिति व जिला परिषद चुनाव को लेकर प्रभारी राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के मेड़ता विधायक इंदिरा का आज अनूपगढ़ में पंचायत समिति में जिला परिषद चुनाव को लेकर आरएलपी के चुनाव व प्रभारियों कार्यकर्ताओं में बैठक की गई, जिसमें मेड़ता विधायक व इंदिरा बावरी, सीताराम नायक सुजानगढ़ से रहे विधायक प्रत्याशी अशोक गोदारा, कुंडल मेनपाल जाखड़ में विनोद गोदारा, धर्मपाल दत्तवार, विजय धनाराम व सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विधायक इंदिरा जी ने व सीताराम नायक ने आरएलपी मजबूत करने व कार्यकर्ताओं को पूरे जोश जुनून से चुनाव जीतने का संदेश दिया। वह सदैव पार्टी के सिपाही व किसान मजदूर पीढ़ी दोषियों के लिए तत्पाल करने का वादा किया। अशोक गोदारा कुंडल ने बताया कि आरएलपी हमेशा सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करती आई है तथा हमेशा किसान, जवान और मजदूर के हक व हनून की जंग में सबसे आगे रहती है। युवाओं को आमजन व विश्वास खरा उतरती है। दोनों पार्टियों के लिए मिलाजुल खेल व प्रशासन व जनता को तीसरा विकल्प मिला है, इसलिए किसान व आम आदमी को सत्ता आने का मिलेगा और इसलिए मजबूती से चुनाव का रण क्षेत्र लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, केशव नायक। निर्दलीय इस तरह से लोग जिताते हैं, क्योंकि लोग संघर्ष करने वाले लोगों को चुनते हैं। और राजस्थान के अंदर जो ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए जो पार्टी सुप्रीमो जो हनुमान जी करने वाले तीसरा विकल्प दिए, लोग इसके साथ हैं। और जो यहाँ के युवा और नौजवान को संरक्षित साथ ही इसमें बचत के बात रहे हैं, यहाँ से जो है पॉजिटिव जो है वोट आएगी और चुनाव सब प्रतिशत जीते। मेरा नाम सीताराम नायक है। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुजानगढ़ से उपचुनाव में भाग लिया था, चुनाव लड़ा था और मेरे को यहाँ सहप्रभारी का के रूप में मेरे को यहाँ भेजा गया। बहन इंदिरा जी के साथ में इनको प्रभारी बनाया गया। हमारा उद्देश्य एक ही है, सत्ता परिवर्तन हो और सबको सबका हक हकूक मिले। ये तानाशाही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की चल रही है हठधर्मिता, तो ये पंचायत राज में हम ज़्यादा से ज़्यादा सच्चे कार्यकर्ता, लड़ाके कार्यकर्ता और ईमानदार सुशक्त उम्मीदवार हम बनाने के लिए आए हैं और सभी 36 हुकुमों को मौका मिले। आज तक जो मौका मिला है तो ये धन्नाशेठों को मौका मिला है जो गरीब और दलित की पीड़ा नहीं समझते। और हमारी जो पार्टी का उद्देश्य है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, वो उद्देश्य ये है किसान, मजदूर और दलित 36 कौम को साथ लेकर के आगे बढ़े और आगे बढ़ करके सबको अधिकार दिलवाएं और सत्ता परिवर्तन करें। और सत्ता परिवर्तन की लड़ाई के लिए ये व्यवस्था परिवर्तन जो है, व्यवस्था परिवर्तन से सबको लाभ मिलेगा, 36 कौम को लाभ मिलेगा। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मिलाजुला खेल है। इस मिलाजुला खेल को खत्म करने के लिए और जनता का हम सहयोग लेने के लिए आपके बीच में आए हैं। और जो उम्मीदवार टिकाऊ होंगे उनको हम चयनित करेंगे, चुनाव लड़ाएंगे और डट करके हम मुकाबला करेंगे। हम जो है उनके साथ में जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे। ये अनूपगढ़ में बहुत अच्छी तैयारी है और हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ये आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट मिले। और मेरी हनुमान जी की और मेरी ये कोशिश है कि मेरा प्रधान भी है बने। और वैसे हमारी नई पार्टी है तो भी अभी दो तीन हमारे प्रधान भी है और तीन विधायक हैं, एक एमपी है। और हमारी पार्टी 36 कौम ने साथ ले चल दी। आज कोई भी समाज जो चुनाव लड़नी चाहती है तो हमारे सामने आ सकती है, क्योंकि जो कांग्रेस और बीजेपी तो बड़े बड़े नेता को टिकट देती है, हमारी पार्टी 36 कौम ने साथ ले चल दी। आज चाहे गरीब का बेटा, किसान का बेटा भी हमारी पार्टी में चुनाव लड़ सके और हक मिल सके उनको। हमारी पार्टी की एक ही सोच है कि 36 कौम आगे आवे और 36 कौम ने जो अपने हक मिले।